देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालात ये हैं कि कई शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच IMD ने देश के कई राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के लिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने भारत के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में ओडिशा का बारीपदा सबसे ऊपर है, जहां बीते दिन तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अकोला में 42.8, चंद्रपुर में 43.2 और ब्रह्मपुरी में 43.1 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया का तापमान 42, अमरावती 42 और बंगाल के बांकुरा का 43.7 डिग्री और कोलकाता का 40 डिग्री तापमान दर्ज किया है। इसके अलावा बंगाल का श्रीनिकेतन 43.2, पानागढ़ 43 दर्ज किया गया है। दरअसल अप्रैल महीने का आगाज होते ही गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से राज्य सरकारों को भीषण गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ी है। कई राज्यों ने अपने यहाँ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और संस्थानों को बंद रखने या फिर समय बदलने के लिए कहा है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना जताई है। IMD ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। साथ ही मध्य भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। वहीं अगले 3 के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है।